अस्सलाम वालेकुम इब्रान, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैं आपके लिए दो रंग की एक स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है ये सीधी तरफ से स्टार्ट होती है। अगर बॉर्डर के बाद आपको फंदे बढ़ाने हैं तो उल्टी तरफ से फंदे बढ़ा लीजिएगा, सीधी तरफ से आपकी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। चार सिलाई की डिज़ाइन है, आठ सिलाई में बनकर ये कम्प्लीट हो जाती है। इन्हें आठ सिलाई को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, आपकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी। ये डिज़ाइन की राइट साइड से है और रॉन्ग साइड कुछ इस तरीके से इसकी दिखती है, देखिए ऐसे। और ये डिज़ाइन हमारी इवन नंबर के फंदों पे अच्छे से सेट हो जाती है, जैसे कि दो 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 इस तरीके से करते हुए आपको जानी है। इवन नंबर पे फंदे लेने हैं तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। और ये डिज़ाइन जो है आप बच्चों के, लेडीज़ के, गर्ल्स के, किसी के भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने दो कलर ली है, पिंक और वाइट। आप अपनी मनचाहे दो कलर में से बना सकते हैं, चाहे तो मल्टी कलर में बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ उसके लोग। फ्रेंड्स ये छोटे बच्चे की स्वेटर में बहुत ही खूबसूरत लगेगी, न्यूबॉर्न बेबी के लिए सेट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये कलर ले ली है, यहाँ पर मैंने फंदे भी डाले हैं, दो चार छः आठ दस बारह चौदह फंदे डाले हैं हमारी डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए। ये इवन नंबर के फंदों पर सेट होती है। उसके बाद आप बॉर्डर बना लीजिए, जो भी बॉर्डर डिज़ाइन आपको पसंद है वो बना लीजिए। और उसके बाद आपकी डिज़ाइन के फर्स्ट रो सीधी तरफ से पहला फंदा उतार लेंगे और जो भी बेस कलर है उसके साथ आपको जो है दो सिलाई सीधा उल्टा करके निकालनी है। पहली सिलाई सीधी तरफ से और दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा पहली सिलाई जो है वो सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक इस तरीके से। फ्रेंड दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी सिलाई हमारे डिज़ाइन की सीधी तरफ से, यहाँ पर हम कलर चेंज कर देंगे। जो भी कलर आपको लेनी है वो आप लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स कलर चेंज कर दी है मैंने, यहाँ पर व्हाइट कलर ली है, आप अपने मन चाहिए कलर में से बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे कलर के साथ ये देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो सीधी तरफ से दूसरे कलर के साथ एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे और एक फंदे को ऐसे बिना बुने बेस कलर का फंदा है ऐसे स्लिप करेंगे। एक फंदा ये सीधा दूसरे कलर के साथ, एक फंदा ये बेस उतार लेंगे, इसे सीधा बुनेंगे, इसे उतारेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, एक फंदा दूसरे कलर से सीधा बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इससे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, इससे बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा उतार देंगे। तो ये हमारी थर्ड रो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए फोर्थ रो हमारी डिज़ाइन की रॉन्ग साइड से चौथी सिलाई। तो पहला फंदा देखिए सीधा ही बनाएंगे दोनों तरफ से फोर्थ रो में। तो देखिए यहाँ पर ये पहला वाला फंदा है ना बेस कलर का, इसे हम क्या करेंगे पीछे से ऐसे सीधा बुनेंगे इस तरीके से, और जो बेस कलर का फंदा है इसे हम आगे से ऐसे सिलाई डालकर सीधा बुनेंगे। इस वाले फंदे को पीछे से ऐसे सीधा बुनेंगे और इससे आगे से ऐसे सीधा बुनेंगे, इसे ऐसे पीछे से बुनेंगे, इससे आगे से बुनेंगे। दूसरे कलर का है इसे पीछे से और ये देखिए इससे आगे से, देखिए ऐसे पीछे से सीधा बुनने हैं बस ऐसे आगे और पीछे करके। देखिए इसे पीछे से और इसे ऐसे, इसे यहाँ से बुनेंगे और ये इससे ऐसे। तो ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। इन्हीं चार सिलाई को आगे रिपीट करनी है, बस इसकी जगह चेंज करनी है। पहले हम क्या करेंगे देखिए ऐसे आएगी। अब रो फिफ्थ हमारी राइट साइड कलर चेंज करेंगे, जो भी बेस कलर है उसे ले लीजिएगा और पूरी सिलाई सीधा सीधा। ये देखिए ये पूरी सिलाई सीधा सीधा मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए रो सिक्स हमारी रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार के बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए रो सिक्स कंप्लीट हो गई है। अब रो सेवन हमारी राइट साइड से, यहाँ पर देखिए इसकी जगह हम चेंज करेंगे। देखिए ऐसे आएगी डिज़ाइन और जगह चेंज करने के लिए क्या करेंगे देखिए, पहली बार हमने ये पहला फंदा दूसरे कलर से बनाया, अब की बार हम इसे उतार लेंगे। इसके नेक्स्ट वाला फंदा जो हमने पहले उतारा है इसे हम बुनेंगे ऐसे, बस यही चेंज करना है, बाकी पैटर्न सेम रहेगी। इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे, अगले वाले को बुनेंगे, इसे उतार लेंगे।
तो स्टार्टिंग से इससे हम स्लिप करेंगे, इसके अगले वाले को बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर बुनेंगे, ऐसे करते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे लास्ट का फंदा बुन लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सेवेंथ रो कंप्लीट करनी है। अब रो एट जो कि रॉन्ग साइड से, इसे हम आगे से बुनेंगे, जो हमने व्हाइट कलर लगाई है इसे आगे से बुनेंगे, और जो हमने उतारे है इसे हम पीछे से बुनेंगे, इसे आगे से बुनेंगे, इसे पीछे से, इसे बुना आगे से, इसे बुनेंगे पीछे से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बन गई है रो एट, और इससे ऐसे पीछे से। देखिए अब इन्हीं आठ सिलाई को आपको बार बार रिपीट करते हुए जानी है। देखिए ऐसे मैंने आठ सिलाई बता दी है, फिर से आपको यहाँ पर अपना दूसरा कलर जो भी बेस कलर है उसे लेनी है और पूरी सिलाई सीधा सीधा बुननी है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ से बताई है वैसे आपको ऊपर आठ सिलाई जो है रिपीट करनी है। तो फ्रेंड्स जब आप इन आठ सिलाई को बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके रख दीजिएगा, ताकि इस तरीके का नई नई डिज़ाइन और प्रोजेक्ट जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए डिज़ाइन किसी एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।